अस्सलाम वालेकुम। मैं जरिंगला, उम्मीद करना है तुसी ठीक ठाक होवोगे। जिंदगी ये आना जाना लगा हुआ है, हर कोई अपने वास्ते चंगा सोचता है और सोचना चाहिए, पर किसी नु अचानक ही बिला वजह छड़ नहीं देना चाहिए। हाँ जी, ख्याल करना चाहिए। मैनू पता लगा कि साढ़े बड़े प्यारे फनकार जड़े ने बड़े जनाब ठीक ठाक हैं जी। तुसी उन्होंने बड़ा पसंद करते हो, सखावत नाज और हनील बेला, और दोवां फनकारां ने जिहड़ा ना जी अचानक ही फैसला कीता है। अचानक कीता है, क्यों कीता है, या पहले तो कोई प्लानिंग सी? ये अपना मुहर्रम दी छुट्टियां दुबई तो पाकिस्तान आए, आफताब इकबाल साहब नाल उत्थे काम कर रहे सन, उत्थे शो बहुत रिकॉर्ड हो रहा सी, ते बड़ा अच्छा जा रहा सी सब कुछ। हालांकि आफताब इकबाल साहब इन्हां नूं बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे सन, इन्हां दोवां फनकारां नूं बड़ी अहमियत देंदे, और ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे सन। मुहर्रम दीआं छुट्टियां आए ने, ते इत्थे आ के उन्होंने जनाब हुण राह बदल लए ने, होर चैनल ते ज्वाइनिंग कर ली है जिथों तक मैनूं पता लगा है। अल्लाह करे झूठ ही होवे, मगर मैनूं पता लगा और बड़ा अफसोस होया कि हुण खबरहार प्रोग्राम नहीं करेंगे, दुबई वापस नहीं जाएंगे। हैं जी, की कह सकने हैं, मगर है वे के खैर मेरी तो दुआ है सब वास्ते। मैं तो पहले भी दुआ को रहना कि परदेस कटना कोई मजाक नहीं है। आफताब इकबाल साहब इन्ना सारा एक कुनबा लेके गए ने, एक टीम लेके गए ने, और बड़ी गल है उत्थे उन्हों मैनेज करना, और उन्होंने इन्हों बेहतरीन उत्थे अहमियत दी, प्रोटोकॉल दिता है, अच्छी अमाउंट दे रहे सन सब कुछ। पता नहीं क्यों इस तरह होया, मगर यह वे कि मेरिया तो सब वास्ते दुआवां ने। जिथे दोवें फनकार जा रहे ने, अल्लाह इन्हों उ कामयाब करे, और आफताब इकबाल साहब उन्हों पता लगे कि और साढ़े फनकार ने बड़े अच्छे, अकमल राय साहब उन्होंने कॉल किया है कि वो दुबई आ जान, तो अल्लाह करे अच्छी टीम बन जाए आफताब इकबाल साहब की दोबारा तो। और मेरी ये दुआ है परदेस भी अल्लाह उन्होंने ख़त्म करे, अपने देश च आन, अपने घर च आन, तो उस तरह फिर तो रौनक हो। मगर ये कि उत्थे भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे ने, तुम सारे पसंद करते हो। मैं भी प्रोग्राम मस्तियाँ जड़ा है वो ऑफ कर दिता है, छड़ दिता है, ते और इस टीम विचों मस्तियाँ प्रोग्राम विचों जड़े मेरे बाद फनकार जाने वाले होंगे वो शायद सरदार कमाल साहब। सरदार कमाल साहब भी मस्तियाँ ऑफ कर देंगे, मगर है वे कि ऐसे तरह ही है जो जहाँ वक्त जाता पे, पेट्रोल अचानक 20 रुपये वधे है, ते कई बंदे तो अपने घर का राह भुल गए ने जाना किधर, मगर ये जिंदगी ये टुरते फिरते रहना चाहिए है, मगर सबर नाल दरगुजर नाल। अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे, जिथे भी जेड़े भी हादसे वास्ते रहन मेरे अपने ने, मैं इन्हों का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता, दुआ गो हाँ अल्लाह इन्हों खुश रखे और हंसता वसता रहे मेरा प्यारा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।